जय भीम नमोबुद्धाय। दोस्तों, अक्षय भालेराव की घटना से सारा देश झकझोर कर रह गया है। सारा देश दुखी है क्योंकि एक दलित बंदे की दर्दनाक हत्या हो गई है। फिर एक और घटना, अकोला की लड़की हीना मेश्राम की, जो मुंबई में पढ़ने के लिए गई थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह बांद्रा के पॉलिटेक्निक में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। यह खबर आपको हिला देगी, डरा देगी और उलझन में डाल देगी। माता पिता बच्चियों को पढ़ने भेजते हैं और छात्रावास को सुरक्षित मानकर उन्हें वहाँ रखते हैं, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल भी सेफ नहीं है। मुंबई के गर्ल्स हॉस्टल से एक ऐसी ही डरा देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक 18 साल की छात्रा का रेप हुआ। रेप के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। छात्रा के रेप और हत्या का शक हॉस्टल के गार्ड पर है, क्योंकि घटना के बाद से वह फरार था। हालांकि गार्ड का शव भी पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर बरामद किया है। मामला दक्षिण मुंबई का है। इस मामले में एक और हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि यह हॉस्टल कोई प्राइवेट नहीं है, बल्कि सरकारी छात्रावास था। इस केस से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या गार्ड ने छात्रा का रेप करके हत्या की? अगर गार्ड ने ऐसा किया तो फिर गार्ड की हत्या किसने की? हालांकि पुलिस मानकर यह चल रही है कि गार्ड ने छात्रा के रेप और हत्या के बाद प्रायश्चित में आकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, हीना मेश्राम चौथी मंजिल के कमरे में रह रही 18 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि मामले में संदिग्ध ओम प्रकाश कनौजिया ने आत्महत्या कर ली है। प्रकाश हॉस्टल में एक सुरक्षा गार्ड और धोबी का काम करता था। सुबह 5 बजे हॉस्टल के बाहर गार्ड जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश का शव चरनी रोड रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पाया गया है और उसके पिता ने उसकी पहचान की। सीसीटीवी फुटेज में कनौजिया 35 साल का लग रहा है और वह आखिरी बार सुबह 4:55 पर हॉस्टल से निकलते हुए दिखाई दिया। पुलिस का मानना है कि चौथी मंजिल पर अकेली रहने वाली लड़की मंगलवार को तड़के उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि छात्रावास के अधिकारियों ने मंगलवार शाम को सबसे पहले लड़की का शव उसके कमरे की खिड़की से देखा। वह दो बिस्तरों के बीच फर्श पर नंगी पड़ी थी। कमरा बाहर से बंद था। छात्रावास प्रशासन ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी। कलीना के फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने ताला तोड़ा, कमरा खोला और अपराध स्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने कहा कि लड़की का गला दबाकर हत्या की गई है। उसके शव के पास दुपट्टा मिला था। दोस्तों, छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए 8:15 पे भेजा गया जेजे अस्पताल में भेजा गया था। पुलिस ने बताया कि सोमवार की रात 11:30 हॉस्टल के एक साथी ने छात्रा से आखिरी बार बात की थी। सहेली ने बताया कि उसने छात्रा से कहा था कि वह उसके कमरे में आ जाए, क्योंकि चौथी मंजिल पर वह अकेली थी, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा कि उसे अकेले कमरे में ही रहना अच्छा लगता है। अधिकांश छात्राएं छुट्टी मनाने घर गई। वर्तमान में छात्रावास में केवल 40 से 50 लड़कियां हैं, जिनमें पीड़िता की रूममेट सहित कई लड़कियां छुट्टी मनाने के लिए घर लौट आई है। ग्राउंड प्लस 5 मंजिला छात्रावास में कनौजिया सहित 3 सुरक्षा गार्ड है। पुलिस ने कनौजिया का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसे उसने छात्रावास परिसर में छोड़ दिया था। दोस्तों, 1 जून को अक्षय भालेराव की घटना, फिर हीना मेश्राम की घटना, लगातार दलितों पर अत्याचार होते आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? कहाँ हमारा समाज छोटा पड़ रहा है या हमारे अधिकार और हकों का हनन हो रहा है? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहे हैं मेरे साथ। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए काफ़ी खर्चा भी आता है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर चैट के माध्यम से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे चैनल आगे और बढ़ेगा और आपके लिए नए नए वीडियो हम ला सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय भीम नमो बुद्धाय।